नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल के बाद में टी20 विश्व कप की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। टी20 विश्व कप के लिए अभी से ही तमाम जो देश है, तमाम जो क्रिकेट टीम है, वो अपनी तैयारियों को कर रही है। टीम इंडिया भी खिलाड़ियों की जोर आजमाइश में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके की टीम इंडिया इस वक्त बनी हुई है, उसको देखकर मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा और ये बताऊंगा कि टीम इंडिया सबसे मजबूत टीमों में से एक होगी। क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से खिलाड़ियों का बल्ला और गेंदबाजों की गेंद आग उगल रही है, ये साफ है कि टीम इंडिया बहुत मजबूत होगी। और अगर ये प्लेइंग 11 रही तो टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको जिन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा, आप गिनते चले जाना और उसके हिसाब से आप आंकड़े और अंदाजा लगाते चले जाना कि टीम इंडिया कितनी मजबूत आने वाले टी20 विश्व कप में होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय बीसीसीआई को, चयनकर्ताओं को और कप्तान और कोच को जाता है। क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों की जोर आजमाइश की जा रही है, उससे पता चल गया है कि किस खिलाड़ी के अंदर कितना दम है। रोहित शर्मा, उसके साथ में आएंगे शिखर धवन। शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी शानदार है, लगातार बड़े मैचों के टूर्नामेंट के वो प्लेयर है। केएल राहुल भी अगर आते हैं तो केएल राहुल की भी बल्लेबाजी के बारे में आप सबको पता है कितने धाकड़ बल्लेबाज है। ये तीन दुनिया के सबसे बेहतर ओपनर्स में से हैं इस वक्त मौजूदा टाइम में। तो इन तीनों के साथ टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा शानदार होने वाला है। नंबर तीन पर विराट कोहली, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, और जब नंबर तीन पर आएंगे तो टीम को एक मजबूती देंगे। और जिस तरीके से वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अग्रेसिव बल्लेबाजी करी, उसके बाद में अंदाजा लगाया जा रहा है कि विराट कोहली का रोल अब यही रहेगा, आकर धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी करना। नंबर चार पर मैं रखना चाहूंगा इस वक्त सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव एक अच्छा फिनिशर, अच्छा मध्यम क्रम का बल्लेबाज, अच्छी तरीके से रन बनाने वाला बल्लेबाज, और जिस तरीके की फॉर्म में सूर्य कुमार यादव है, जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। नंबर पांच पर मैं रखना चाहूंगा ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जिसने हाल के दिनों में खुद को साबित किया है, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के एक स्थापित बल्लेबाज ऋषभ पंत हो चुके हैं। पारी को फिनिश करना जानते हैं, तेज गति से रन बनाना जानते हैं और किसी भी गेंदबाजी अटैक को धराशाही करना जानते हैं। तो ऋषभ पंत को मैं नंबर पांच पर रखना चाहूंगा। नंबर छह पर मेरे टीम में रहेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का विकल्प अभी भी टीम इंडिया को नहीं मिला है जनाब। और नंबर छह पर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने सालों तक टीम इंडिया की सेवा की, रन बनाए, टीम इंडिया को मैच जिताए, उसके बाद में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या इस वक्त सबसे बेहतर और दुनिया के सबसे धुरंधर फिनिशर में से एक है। तो हार्दिक पांड्या को नंबर छह पर। नंबर सात पर मैं गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर एक दूसरे वेंकटेश अय्यर को रखना चाहूंगा। दो ऑलराउंडर शानदार टीम मजबूत हो जाएगी, बल्लेबाजी डाउन और मतलब डेप्थ तक हो जाएगी। एक अच्छा गेंदबाज और एक अच्छा फील्डर, एक अच्छा बल्लेबाज आपको मिल जाएगा। नंबर सात पर मेरे वेंकटेश अय्यर के। नंबर आठ पर मैं रखना चाहूंगा रविंद्र जडेजा को, स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। रविंद्र जडेजा एक और बल्लेबाज खिलाड़ी, एक और धुरंधर खिलाड़ी, एक और फिनिशर खिलाड़ी, और गेंदबाजी भी उनकी शानदार, विकेट टेकिंग गेंदबाज है। तो नंबर आठ पर मेरी टीम में रहेंगे रविंद्र जडेजा। नंबर नौ पर मैं दीपक चाहर को रखना चाहूंगा। दीपक चाहर एक और बल्लेबाजी निचले क्रम पर, और आपको गेंदबाजी भी, विकेट कर टेकिंग गेंदबाज भी मिल जाएगा और एक अच्छा बल्लेबाज भी मिल जाएगा। तो दीपक चाहर को मैं नंबर नौ पर रखना चाहूंगा। नंबर दस पर मैं रखना चाहूंगा शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर एक और बल्लेबाज, एक और गेंदबाज जो विकेट लेना जानता है, जो शानदार तरीके से गेंदबाजी करनी जानता है। तो नंबर 10 पर मैं शार्दुल ठाकुर को रखना चाहूंगा। नंबर 11 पर मेरी टीम में रहेंगे जसप्रीत बुमराह। तो ये मैं टीम बनाना चाहता हूं टी20 विश्व कप के लिए। आप अंदाजा लगाइए इस टीम के पास वो ताकत है। 10 नंबर तक बल्लेबाजी है मेरी टीम में, और सारे के सारे बेहतरीन प्लेयर है, धुआंधार प्लेयर है, इनफॉर्म खिलाड़ी है, गेंदबाज अच्छे हैं मेरी टीम में और बल्लेबाज भी अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर ये टीम बन गई तो क्या टीम इंडिया को कोई हरा पाएगा? क्या अगर ये टीम बन गई तो क्या टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने से कोई रोक पाएगा? आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।